सर लुक कैमरा सर लुक कैमरा सर आंखों को पैन कीजिए जितने भी कैमरे हैं लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट फोटो दिस वन यस 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 आप देखते रहिए 1 2 3 थैंक यू सर थैंक यू My God. These are also from the like the other side. I was also from the other side. आजू बाजू से आएंगे लेकिन देखना आपने सामने देखना सामने इन टू लेंस ओके ठीक है नो प्रॉब्लम पूछिए पूछिए आज सर हम जाने जाएंगे कितना डिफिकल्ट था मोदी जी का कैरेक्टर निभाना मेरे करियर का अब तक का जितना भी काम मैंने किया है सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट रहा है ये रोल क्योंकि इस रोल में हम ज़्यादा नहीं कर सकते थे और कम भी नहीं कर सकते थे बिकॉज वी वर गिवन अ बाउंड्री जिस तरह से वो बात करते हैं या यू नो द वे ही कम्स अक्रॉस तो वीडियो ग्रैब्स थे बहुत सारे वीडियो ग्रैब्स थे तो उनको देख के ही मुझे अपने किरदार को बिठाना था मतलब मोदी जी के किरदार को बिठाना था एक्सट्रीमली एक्साइटेड बिकॉज इतना काम करने के बाद यू वांट टू सी कि क्या हुआ है यू नो और हमें मौका नहीं मिला है बिकॉज ऑल दिस वाइल यू नो वी बीन बिजी विद द शूट्स एंड एडिट्स एंड दूसरे और भी बहुत सारे काम हुए हैं तो डायरेक्टर जी ने हमें कुछ दिखाया नहीं है अब तक तो मैं भी पहली बार देखूंगा जो मैंने देखा है वो है जो ऑडियंस ने देखा मतलब जो ट्रेलर्स जो निकले हैं नेट पे है वो ही मैंने देखा और कुछ नहीं गुड इवनिंग इतना लो प्रोफाइल लगते हैं अपने आप को इसीलिए कि ताकि ऐसे किरदार करके लोगों को आश्चर्यचकित कर दें लो प्रोफाइल इट्स नॉट इंटेंशनल इट्स जस्ट दैट मैं ज़्यादा पार्टीज में जाता नहीं हूँ नॉट बिकॉज लो प्रोफाइल आई कीप इट थिंकिंग कि मुझे ऐसा काम करना है नो आई एम जस्ट दैट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन आई एम अ वेरी जो घर पसंद है यू नो जो घर में रहना पसंद करता है जो फैमिली के साथ यू नो आई एम वन ऑफ दोस टाइप ऑफ पीपल नॉट नॉट डिलिबरेटली यू नो काफी वर्क अपने आप ने अपने आप पे वर्क किया लाइक एज योर फिजिकलिटी इज कंसर्न लाइक यू हैव प्रॉब्लम बिकम मोर फिट नाउ वेल या आई हैव लॉस्ट वेट और वो इसलिए है नॉट फॉर एनी रोल एज पर से बट ये ज़रूरत है एज यू नो यू स्टार्ट ग्रोइंग अ लिटिल ओल्डर यू फील यू रियलाइज कि आपका जो हेल्थ है वही सबसे बड़ा वेल्थ है अगर हेल्थ नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है तो अपने वेट का ख्याल रखना और या आई हैव लॉस्ट अराउंड 6 किलोज ज़्यादा नहीं उससे ज़्यादा नहीं लूज़ करना चाह रहा हूँ मतलब 6 किलोज है नो टाइटल इज मेंट फॉर सलमान भाई यू नो दैट्स फॉर हिम बट या कोई भी दूसरा काम हो डेफिनेटली आई एम ओपन टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ रोल्स दैट्स इट हाँ आई बिलीव बिकॉज उनकी जो पब्लिसिटी है थोड़े पहले से स्टार्ट हो गई थी तो मे बी द मीडिया गॉट द रॉन्ग आइडिया कि उन लोग खास इलेक्शन के टाइम पे आई थिंक वन ऑफ द रीजंस वाज दैट नॉट वेब सीरीज तो हमेशा रहेगी वेब पे तो I don't think that's correct. पर कहीं पे भी उमेश जी ने काफी सोच समझ के और अच्छी तरीके से इसको प्रस्तुत किया कहीं पे भी छींटाकशी या किसी का मतलब नहीं नहीं दिस इज मेड ऑन अ बुक जो किशोर मखवाना ने लिखाई गई थी ही इज द वन हु हैड द डायरेक्ट एक्सेस टू आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और जो भी हमारे मोदी जी ने कहा है उन्हें वो बुक में था और हमारी वेब सीरीज़ बुक पे निर्धारित है विथ लिटल एक्स्ट्रा विच वी गॉट टू नो जब हम शूट कर रहे थे तो जहाँ टाउन्स जिन्होंने उनके साथ यू नो हु इंटरैक्टेड विथ हिम तो हमारी स्क्रिप्ट वैसे बनी है आई थिंक द राइट पर्सन वुड बी मिहिर जी हु कैन टेल यू मोर डिटेल्स मैं तो एक्टिंग डिपार्टमेंट में था आई जस्ट वर्क्ड एज एन एक्टर ऑन द शो ऑन द प्रोग्राम
फिलहाल तो नहीं, और मुझे जब मैंने ये सवाल पूछा था उमेश जी से, मैंने ना रोल तो मैं कर लूँगा, बस मैं ये जानना चाह रहा हूँ क्या हम प्राइम मिनिस्टर जी से कभी मिलेंगे। तो मजाक में मुझसे कहा था कि अगर आप अच्छा शॉट दोगे, अगर आप मोदी जी जैसे दिखोगे बोलोगे, तो मैं आपको उनके साथ चाय ज़रूर पिलाऊँगा। Yes. Correct. That's a very good thing, because मुझे लगता है कि there is some amount of involvement from our PM regarding this, that you know उनकी जो कविता is coming on such an important web series platform जो उनकी जिंदगी पर आधारित है, and there is no fiction involved in this. It's a very nice thing, and I think it's an honor to have the lyrics penned down by Narendra Modi ji on this web series. I think it's an honor. इलेक्शन आने वाले हैं और इस टाइम पे अभी मोदी जी का वेबसाइट वेब सीरीज आ रहा है, उसके बाद में मूवी जा रही है, तो आपको क्या लगता है कि इलेक्शन पे इसका कितना इम्पैक्ट गिरेगा? ये मेरा विचार है, इसमें पर्सनल थॉट कि जो भी वोट करते हैं, दे आर 18 ईयर्स हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वाई डू वी गिव 18 ईयर्स द राइट टू वोट? बिकॉज हमको लगता है कि यू नो दे आर स्मार्ट, यू नो उन लोग सोच सकते हैं, दे कैन थिंक अबाउट जॉब्स, दे कैन थिंक अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ द कंट्री, दे कैन थिंक अबाउट ऑल द अदर थिंग्स विच विल मेक द लाइफ ईजियर। इसीलिए तो आई डोंट थिंक वन कैन स्वे वोट्स जस्ट बाय शोइंग समबडीज लाइफ। रिमेंबर दिस इज़ अ लाइफ ऑफ हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है, इट इज़ नॉट अ प्रोपागेंडा फिल्म कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं तुम्हें ये दूंगा। इट इज़ अबाउट हिज लाइफ जो वो रह चुके हैं, इट इज़ हिज पास्ट when he becomes the PM. So it's nothing ke wo ab jo, you know, all the योजनाएं जो अब कर रहे वगैरह, so it's not on that, you know, it's about his life. और ये ऐसी कहानी है कि हर कोई जानना चाहेगा कि एक जो चाय वाले हैं, you know, how he became a prime minister, because हर कोई आदमी छोटा मोटा काम करता रहता है in the world, and also उनकी भी ख्वाहिश होती है कि मैं कभी ना कभी बड़ा आदमी बनूँ। तो उनकी जो जर्नी है बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो वेब सीरीज़ है पहले भी अगर बनाई होती या मे बी आफ्टर इलेक्शन ऑल्सो, आई डोंट थिंक इट वुड चेंज द डायनामिक्स ऑफ द व्यूअरशिप, यू नो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। नहीं, ऑब्वियसली एक्साइटेड है हम लोग। 3 महीने से मैं मेहनत कर रहा हूँ, 1 साल से टीम मेहनत कर रही है, सो फाइनली इट्स ऑनलाइन नाउ, इट्स स्ट्रीमिंग नाउ, एंड आई थिंक अभी समय है, लोग देखेंगे, रिएक्शंस पता चलेंगे। मैंने खुद नहीं देखा अभी तक सारे एपिसोड्स, अभी तक तो फर्स्ट टाइम मैं देखूँ। मोदी जी जब 20 साल से लेकर 45 साल तक का उनका जो जीवन काल है, कुछ 20 सालों का, वो मैं प्ले कर रहा हूँ, और प्रीटी मच जो हमारी सीरीज़ है वो उसी के बारे में, कि कैसे एक आम इंसान, एक आम बच्चा, एक टीनेजर कैसे भारत का प्रधानमंत्री बनता है, और मेकिंग ऑफ दैट इंडिविजुअल इज़ व्हाट द होल स्टोरी इज़ अबाउट, एंड आई एम प्लेइंग दैट होल। मोदी जी इज़ अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, हम सब जानते हैं, तो कितना चैलेंज रहा उनका कैरेक्टर निभाने के लिए? हाँ जी, जैसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हैं ऐसे ही हम स्ट्रॉन्ग एक्टर हैं शायद, तो इसीलिए हमने कास्ट कर लिया और हमने इसे निभा दिया। सो जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा, क्योंकि चैलेंजिंग इसीलिए होता है क्योंकि आपके देश के प्रधानमंत्री ऐसे नहीं कि पास्ट में थे, अभी हैं, करंट प्रधानमंत्री हैं आपके देश के, और आपको एक इमेज, एक जिम्मेदारी हो जाती है आपकी कि आप एक इमेज दुनिया तक लेकर जा रहे हैं, तो उसमें कहीं कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। दूसरा, वो सच के करीब हो और बिना पक्ष लिए हुए आप एक बात कहें अपनी, क्योंकि फिर आपके देश की इमेज का सवाल होता है, तो जिम्मेदारी और ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा। हाँ ऑब्वियसली, आप वही ना, क्योंकि जिम्मेदारी होती है, आपको एहसास होता है इस बात का कि एक इस तरह का एक ऐसी इमेज है जो इतनी स्ट्रॉन्ग है पूरे विश्व भर में, अगर आप उसके साथ में कोई त्रुटि रह जाए तो बहुत जल्दी पकड़ में आ जाएगी, और फिर वो शायद ज़िंदगी भर के लिए शायद मुझ पर धब्बा लग जाए कि मैं इसको ठीक से नहीं कर पाया, अदा कर पाया, तो वो डर रहता है। पर आई थिंक क्योंकि हमारी
रिसर्च और लिखावट बहुत स्ट्रांग है, और उमेश जी एक बेहतरीन निर्देशक हैं जिन्हें शायद कोई किसी भी तरह से हमें कहने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं अपने आप को। आई थिंक विद दिस ही इज़ गोना प्रूव अगेन दैट यू नो द काइंड ऑफ डायरेक्टर ही इज़। इलेक्शंस भी नज़दीक है, इलेक्शन भी नज़दीक है और अभी हाल ही में अभी इसकी वेब सीरीज आ रही है, फिर अभी उसके बाद में मूवी भी रिलीज पर है, तो आपको क्या लगता है कितना इम्पैक्ट गिरेगा ये मूवी का इलेक्शन पे? जो अगर 5 साल में किसी के कार्यकाल से कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ तो आई थिंक फिर 10 एपिसोड की वेब सीरीज से भी नहीं होगा। आई थिंक बार बार लोग ये सवाल पूछते हैं कि इसका इम्पैक्ट होगा नहीं होगा, देखिए खिलाफ या पक्ष में, अगर 5 साल का कार्यकाल कुछ नहीं कर पाए तो 10 एपिसोड की वेब सीरीज या एक फिल्म कुछ नहीं कर सकते। सो आई डोंट थिंक सो इट विल इफेक्ट एनीबडी, एक फिक्शन पीस ऑफ आर्ट है, आई थिंक उसको वैसे ही देखिए, इन्जॉय कीजिए, नथिंग मोर। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट करती है लोगों के दिमाग में, क्योंकि लोग चाहे उसको 3 घंटे की फिल्म हो या फिर 10 दिन का एपिसोड, उसको लोग जीते हैं जी। तो मतलब उस उन सारी चीज़ों का किस तरीके से इम्पैक्ट गिर सकता है? जी इम्पैक्ट इसका आपके और लोगों के जीवन पर ज़रूर गिर सकता है, क्योंकि बहुत ही प्रोत्साहित करने वाली कहानी है। अगर आप खुद सोचिए, एक लाइन में कहूँ कि एक ऐसा बच्चा जो एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर चाय बेचता था, वो दुनिया की सबसे बड़ी प्रजातंत्र का प्रधानमंत्री बन सकता है, तो अपने आप में बहुत ही प्रोत्साहित करने वाले, प्रोत्साहन लेने वाली बात है। और आई थिंक उसी नज़रिए से सिर्फ इसको कहा गया, इट्स एन इंडिविजुअल जर्नी दैट वी आर सेइंग, इट्स नॉट अ पॉलिटिकल जर्नी दैट वी आर सेइंग। जब आप देखेंगे आपको एहसास होगा कि हम लोग कोई भी राजनीतिक बात नहीं कर रहे हैं, हम एक व्यक्तिगत, एक इंसान की एक ऐसे व्यक्तित्व की व्यक्तिगत यात्रा है जिस पर हम आपको लेकर जाएंगे, और उसका इफेक्ट 100% आपके ऊपर होगा, क्योंकि फिर आपको ऐसा लगेगा कि अगर ये हो सकता है, ये कर सकता है, तो फिर कोई भी कर सकता है। बोर हो गया था मैं, सो आई वॉज लुकिंग फॉर समथिंग एक्साइटिंग, मतलब प्लेटफॉर्म मैटर नहीं कर रहा था मेरे लिए, सब्जेक्ट मैटर कर रहा था कि मैं ऐसा कुछ करूँ जो अब एक्साइट करे। और क्योंकि सिनेमा मैंने किया इसके पहले, टीवी कर लिया इतने साल तक, ये कर रहा था, आगे 2 फिल्में और हैं, बट वही कह रहा हूँ कि माध्यम नहीं ढूंढ रहा था मैं, कहानी ढूंढ रहा था एक ऐसी जो शायद मैं कहना चाहूँ या मेरे थ्रू वो कही जा सके अच्छे से। सो वजह वो थी, बट आई थिंक इट्स अ वेरी गुड स्पेस फॉर एक्टर्स टू बी इन राइट नाउ, क्योंकि इतना सारी अपॉर्चुनिटीज और इतना बढ़िया काम आसपास हो रहा है बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म, जैसे आपने कहा कि OTT प्लेटफॉर्म एक अपने आप में आज़ादी लेकर आता है बातें कहने का, कहानी कहने का, तो आई थिंक वो स्पेस मैं इंजॉय करना चाह रहा था। TV इन जनरल बोर नहीं हुआ है, मेरे लिए हो गया है, क्यों जो मुझे काम करना है शायद मेरे नज़रिए से वो मुझे वहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा था, और ऐसा नहीं है कि वहाँ नहीं बन रहा है वैसा काम, बट वो बहुत कम बनते, इस तरह के शोज़ मैं करना पसंद करता हूँ या काम करता हूँ, पास में भी आपने देखे हैं कम बनते हैं, कई सालों में बनते हैं एक बार, तो वो जब बनेंगे वो मेरे पास चले आते हैं तो मैं फिर कर लूँगा, पर फिलहाल ऐसा कुछ बन नहीं रहा है। और विषय वस्तु की बात करें तो वो बोर नहीं है, बट हाँ क्योंकि एक वर्ग उसको भारत का देखता है इसीलिए वो चलता है, वो नहीं देखेंगे तो नहीं चलेगा, तो वो तो रियलिटी है हमारी, वो शायद मुझे एज एन एक्टर कहीं ना कहीं एक्साइट नहीं करता है, तो इसलिए मैंने शायद जी अब मोदी बन गया तो राष्ट्रपति बन जाऊँ, मतलब क्या ट्रम्प बन जाता हूँ मतलब स्ट्रांग, ऑब्वियसली स्ट्रांग नहीं कह सकता मैं, कहूँगा मज़ेदार कैरेक्टर ढूंढना चाहूँगा जिसमें मज़ा आए करने में, रस हो, और आज आप ये देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो स्ट्रांग नहीं है, मज़ेदार किरदार है, बहुत ही इंटरेस्टिंग किरदार है। थैंक यू सो मच। सर आप तीनों एक साथ फोटो दे दीजिए।
के तो कहीं से भी आ जाता जी. डिफ़िकल्ट तो था क्योंकि अगर मेरी बात करूँ तो मेरे जो पार्ट है, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि हर एक इंटरव्यू में यही कहा है मैंने कि मैं, मेरी जो एज है वो टीनेज क्रॉस कर चुकी है अभी, और जो मैं कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ वो टीनेज शुरू होने से भी पहले का है, जो कि 12 साल का बच्चा है, और वो ग्रो होता है फिर 17 साल, 18 साल, 19, 20, ऐसा. सो इट वॉज़ डिफ़िकल्ट कि इस एज में मुझे बैक जाके बच्चे का रोल करना, और वो भी हमारे प्रधानमंत्री का रोल करना. यादगार क्या चीज़? सेट पे ऐसी कोई यादगार चीज़ें हुई होंगी? बहुत. यस, ऐसे तो बहुत सारे, क्योंकि हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारी लोकेशंस पे, मतलब जो रियल लोकेशंस पे शूट किया है, चाहे फिर वो वडनगर हो, फिर विश ताना रीरी तालाब हो, फिर स्कूल हो, सारी चीज़ें, तो हर एक मोमेंट बहुत यादगार है. बट एक है कि एक नदी में सीन था, मतलब एक लेक में, जहाँ पर रियल में उस टाइम पर मोदी जी तैरते थे और उन्होंने मगरमच्छ लिया था वहाँ से, तो वो मेरा काफ़ी लाइक मेमोरेबल सीन है जी. अच्छा, कोई बात. अब आपको लग रहा है कि लाइक यू हैव ब्रोकन योर इमेज विच वॉज बींग कैरिड बिफोर, एंड नाउ यू कैन डू मैच्योर रोल्स एज वेल, एंड एक तरह से आपने आपको एक व्यक्तित्व और एक कलाकार के रूप में इस्टेब्लिश कर लिया, जहाँ कभी कभार आपको सिर्फ एक चाइल्ड एक्टर या उस जॉनर में रखा जाता था. अच्छा है कि आपने क्वेश्चन पूछा, और ब्रोकन योर इमेज मैंने कहा कि पता नहीं क्या होगा, सो इन अ पॉजिटिव वे इज आस्किंग. सो येस, आई थिंक अभी तक लोगों ने मुझे बच्चे के रूप में देखा है, नाउ आई हैव ग्रोन अप, और मैंने ये जो मोदी जी का कैरेक्टर किया वो भी कहीं पर बच्चा है पहले 12 साल का, उसके बाद ग्रो होता है 18 साल, 19 साल, 20 साल, 21 साल, वहाँ पे भी बियर्ड ईयर आ जाती है. सो कहीं ना कहीं आई हैव ग्रोन अप, एंड नाउ आई हैव डिसाइडेड दैट मैं जो भी अभी रोल्स करूँगा वो लाइक बड़े के ही रोल करूँगा ना, बड़े वाले जो होते हैं, नॉट द चाइल्ड वन. एक्चुअली मेरे साथ एक सीन हो गया था यहाँ पर ऑडिशन पे, व्हेन दे कॉल्ड मी, उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दे दिया, उन्होंने कहा कि चाय वाला है, चाय बेचना है, ऐसे ऐसे करना है, डायलॉग्स बोलना है. सो मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि किसका है ना चाय वाला. अभी जैसे अभी जो मोदी जी है उनके हिसाब से अगर किसी को पूछा जाए, स्क्रिप्ट दिखाए तो समझ में आ जाएगा उसमें कुछ डायलॉग्स. वैसे उसमें ऐसा था कि मैं चाय बेचता हूँ ये वो करके, मैंने ऑडिशन पूरा कम्प्लीट किया, एंड दे सेड कि मोदी जी का है, हम बायोपिक बना रहे. आई वॉज शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलना बहुत मुश्किल होता है. एंड जैसे कि मैंने कहा कि बायोपिक जो बनती है मोस्टली करंट जो लेजेंड होते हैं उन पर नहीं बनती, वो पुराने जो हो जाते हैं 5 साल 10 साल ऐसे, पर ये करंट प्राइम मिनिस्टर है उनके ऊपर बायोपिक बन रही है, वहाँ पर मुझे उनके बचपन का किरदार करने का मौका मिल रहा है. सो आई एम लकी दैट आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी. आई गेस मैं उसी क्वेश्चन को वापस थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूं, बट दिस विल मीन कि लाइक यू विल नॉट बी ओपन टू और लाइक यू विल बी डिफरेंट अपार्ट फ्रॉम टीवी फॉर द प्रेजेंट मोमेंट एंड विल बी एक्सप्लोरिंग अदर वेन्यूज. एज इन आई एम डूइंग द सीरीज, ऐसा तो आई एम अपार्ट फ्रॉम टीवी, नो ऐसा नहीं है कुछ भी. आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, एंड जो लोग हैं वो लोग भी वेट कर रहे थे कि वाई फैजल इज़ नॉट कमिंग ऑन टीवी. आई वॉज डूइंग डांस शोज एंड लोग जो है वो मुझे एक्टिंग में भी कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट आई वॉज वेटिंग कि मुझे ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी मिले जहाँ पर मुझे ऐसा लगे कि येस ये मुझे कहीं आगे ले जाएगा. सो आई थिंक ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी, एंड अच्छी बात ये है कि टीवी सीरीज के जो हम टीवी सीरियल करते थे टीवी टेलीविजन पे, अब सीरीज़ कर रहा हूँ. सो बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि आई एम टेकिंग यू नो एक स्टेप अहेड, आगे हो रहा है. सो फीलिंग ग्रेट. इम्पैक्ट गिरेगा, क्यों गिरना चाहिए, मतलब जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सीरीज? सी आई बिलीव कि ऐसे 10 एपिसोड की सीरीज पे आपको जज नहीं करना चाहिए, इट्स जस्ट बायोपिक. अगर आप मोदी जी प्राइम मिनिस्टर अगर दिमाग से हटा कर एक कॉमन मैन के हिसाब से आप ये सीरीज देखो तो भी ये इंस्पायरिंग है, क्योंकि ये सोचना खुद में अपनी बात है कि एक चाय वाला जब प्रधानमंत्री बनता है तो उनकी लाइफ स्टोरी पढ़ना आपको इंटरेस्टिंग लगेगा. एंड अगर आप अभी फ़िलहाल इलेक्शन के हिसाब से देखोगे तो फिर आपको लगेगा कुछ और है, बट अगर आप इसे सिर्फ सीरीज़ के हिसाब से देखोगे तो ऑब्वियसली यू लर्न सो मच. थैंक यू.
है ना. थैंक यू सो मच. इस वेब सीरीज़ में मैं मोदी जी यानी कि जो यंगर वर्जन है, फ्लैशबैक वर्जन है, फैजल की माँ बनी हूँ. सो आई एम प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ऑफ कोर्स द वेरी इंपॉर्टेंट वुमन इन्फ्लुएंस इन हिज लाइफ. बहुत लोगों को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता था. तो ये एक आयुर्वेदिक, आई वुडन्ट से डॉक्टर, लेकिन इनकी एक खासियत थी कि ये जड़ी बूटियों से दवाइयाँ बनाती थी और बहुत सारे लोगों को ट्रीट करती थी. तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो आप ऑफ कोर्स देखेंगे. और सारे बच्चों में से एक मोदी ही थे जो सुबह सुबह 4 बजे उठ के इनकी मदद करते थे और लोगों की सेवा करते थे गांव में, जो कि दर्शाया गया है. और जितने वैल्यूज़ हैं, जितने कल्चरल वैल्यूज़ हैं जो हम बच्चे को सिखाते हैं, जो परवरिश होती है, वो ऑफ कोर्स वहीं से तो सब कुछ शुरू होता है कि आपकी सोच कैसी होती है या आप किस तरह से अपने बच्चे को पालते हो या किस तरह के वैल्यूज़ आप सिखाते हैं. तो जी ऑफकोर्स, तो मुझे लगता है ऑफकोर्स बहुत ही अहम किरदार है. उनकी माँ आज भी हैं और मुझे उम्मीद है कि मैं उनसे मिल पाऊँगी. उनका नाम हीराबेन है. और बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा क्योंकि हमने वडनगर में शूटिंग की, जो उनका गांव है. हार्ड कोर ऑथेंटिक वे में शूटिंग की है. नो मेकअप लुक है. और मेरे लिए ऑफ कोर्स रियल कैरेक्टर्स पोर्ट्रे करना ज़्यादा अच्छा लगता है. सो आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे इस ये मौका मिला है. और उम्मीद करती हूँ, मैं तो पहली बार देखूँगी, सो लेट्स सी. आई डोंट नो कितना चैलेंजिंग रहा मॉम का रोल करना. मुझे लगता है हर किरदार चैलेंजिंग होता है और ये ज़्यादा शायद चैलेंजिंग रहा क्योंकि ये रियल लाइफ स्टोरी है और ऑफ़ कोर्स इतने इम्पॉर्टेंट व्यक्ति की स्टोरी है जो कि हमारे देश के बहुत ही इम्पॉर्टेंट व्यक्ति हैं, प्रधानमंत्री हैं हमारे. और सच में जब हम एक होता है कि हम उन्हें एज अ पीएम जानते हैं, लेकिन जब हम उनकी स्टोरी एक्चुअल में जो मैंने पढ़ी, जो हम दिखाना चाह रहे हैं और जो हम दिखा रहे हैं, वो एवरीथिंग इज़ रियल एंड एवरीथिंग इज़ ट्रू. सो मुझे लगता है दैट इट सेल्फ इज़ वेरी चैलेंजिंग क्योंकि हर किसी की लाइफ में इतना कुछ होता है. जैसे हमारी आपकी बहुत सारे ऐसे एपिसोड्स होते हैं, ऐसे क्षण होते हैं जिन्हें हम इतने ऑथेंटिक वे में दर्शाना बहुत मुश्किल हो जाता है. बट आई थिंक द डायरेक्टर एंड द टीम हैज़ डन अ ग्रेट जॉब. तो जैसे कि मैंने कहा कि मैं सिर्फ अपना पोर्शन मैंने शूट करते हुए देखा, अगला पिछला किस तरह से प्लेसमेंट है, फ्लैशबैक है, कैसा है. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. मैम, आफ्टर डूइंग द वेब सीरीज, व्हाट्स योर व्यू ऑन मोदी जी? इट्स माय व्यू ऑन मोदी जी. आई थिंक ही इज अ फिनोमिनल लीडर. हिज क्वालिटीज, हिज लीडरशिप क्वालिटीज जिन्हें हम कहते हैं, वो दिखता है. वो सारी क्वालिटीज़ दिखते हैं और आई थिंक दैट इज़ व्हाई वी आर लुकिंग एट अ प्रोग्रेसिव नेशन. सो ऑफकोर्स जैसा मैंने कहा कि आज की तारीख में बहुत कितने लोग हैं जो अपना काम छोड़ के दूसरों की सेवा करते हैं. सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी तो यही है और ये क्वालिटी हीराबेन में है. और मुझे लगता है बचपन से ही जो बच्चों ने देखा उनमें, जो मोदी जी जब वो बचपन में 14 साल के थे या 10 साल के थे, जब उन्होंने देखा कि माँ जो जितने लोग हैं आसपास गांव के उनके लिए क्या कर रही है, तो कहीं ना कहीं मैं माँ हूँ, मेरी 10 साल की बेटी है. तो मुझे लगता है हम जो भी करते हैं वो बच्चों पर सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस माँ बाप का होता है. और वो कहते हैं ना कि चिल्ड्रन आर जेरोक्स कॉपी ऑफ द पेरेंट्स. सो दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट इट इज़. तो मुझे लगता है जो कहते हैं ना, जब हम प्लांट करते हैं सीड, तो वो वही वाली बात है. तो बच्चा इज़ योर सीड. सो आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट क्वालिटी विच आई फेल्ट दैट आई लर्नड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दूसरों की सेवा. गुजराती फ्लेवर
मुझे लगता है नॉट नेसेसरली ऐसा नहीं है फ्लेवर देखिए इट्स लाइक आई सेड ही इज अ लीडर एंड वो देश को एक साथ मिलाकर चल रहे हैं एंड आई डोंट थिंक उन्होंने कभी ऐसा भेदभाव किया है कि हम गुजराती हैं या नथिंग टू डू विद लाइक क्रीड एंड कास्ट एंड एनीथिंग आई डोंट मैंने तो अभी तक नहीं देखा है सो आई फील इट्स फ्लेवर तो आई गेस इट ऑल डिपेंड्स ऑन आर मीडिया यू नो वो वही वाली बात हो जाती है कि बिकॉज द लीडर इज़ अ गुजराती बाय रिलीजन सो इट इट काइंड ऑफ ऐसा लगता है जैसे गुजराती इन्फ्लुएंस है बट ऐसी बात नहीं है मतलब चौकीदार टर्म काफ़ी पॉपुलर हो रहा है हाँ काफ़ी पॉपुलर हो रहा है इत्तेफाक रखती हैं आप इससे हाँ हाँ मतलब देख रही हूँ मैं पढ़ रही हूँ हर जगह है सोशल मीडिया पे हर सोशल मीडिया के हैंडल पे लगा हुआ है तो यस आई गेस वो उनका एक होगा गुजरात में क्या हुआ है इस समय कि मतलब जैसे प्रॉब्ली यू मस्ट बी हैविंग रिलेटिव्स एंड एवरीथिंग इस बार किसकी सरकार वेल आई विल डेफिनेटली से मोदी सरकार यस आई एम अ बीजेपी पर्सन सो या थैंक यू आपको ये पूछ रही थी हाँ जी गिरेगा पूछो पूछो मैं पूछ रही थी कि अभी वेब सीरीज आ रही है अभी इलेक्शंस भी आ रहे हैं अब मोदी जी की पर मूवीज भी बन रही है तो आपको क्या लगता है कि कितना इम्पैक्ट गिरेगा इस इन सारी चीज़ों का पड़ेगा सर मुझे लगता है कि फिलहाल तो मेरी नज़र में दो ही हैं एक मूवी है और एक हमारी वेब सीरीज़ है तो दो अलग प्लेटफॉर्म्स हैं और दो अलग वे ऑफ प्रेजेंटिंग है तो आई एम श्योर हम एक कहानी बताना चाह रहे हैं जो कि एक रियल कहानी है सो मुझे लगता है रियल कहानी का इम्पैक्ट रियली होना चाहिए क्योंकि इसमें कोई फेक चीज़ तो है नहीं सो आई एम होपिंग एंड आई कैन ओनली टेल दी ऑडियंस दैट यू मस्ट डेफिनेटली वॉच इट बिकॉज हर रियल कहानी में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर लुकिंग एट अ कम्प्लीट पॉजिटिव अप्रोच हियर थैंक यू सो मच हम देखेंगे कभी नेता आपको एज अ नेता एज अ नेता मैं कथक डांसर हूँ क्लासिकल कथक डांसर हूँ तो अगर अगर कुछ हुआ तो डेफिनेटली कल्चरल जोन में होगा उसमें काफ़ी रुचि है तो लेट्स सी आई डोंट नो मतलब इलेक्शन लड़ने में कोई मतलब कभी हिचकिचाएंगे नहीं मेरे कंटिन्यूटी है मैडम अभी रुको हिचकिचाएंगी तो नहीं अगली बार मैं आपकी सरकार वेल ओ माई गॉड नहीं इतना तो दूर का मैं नहीं सोचती बट जैसा कि मैंने कहा कि कल्चरल जोन में काफ़ी रुचि है क्योंकि मैं कथक नृत्यांगना रही हूँ काफ़ी शोज़ किए हैं गवर्नमेंट के लिए अभी भी करती हूँ तो एक ऑफकोर्स मुझे ऐसा लगता है कि उस जोन में कुछ कुछ सेवा करने का मौका मिले तो मैं ज़रूर करूँगी इस बार कैंपेनिंग करेंगे नहीं अभी तो कोई ऑफर नहीं है ना ही ऐसा कोई झुकाव है सो लेट्स अभी मैम अभी देखना अभी एक सब्जेक्ट नहीं जी नहीं जी नहीं 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 अभी फिलहाल तो ऐसा कोई झुकाव नहीं है बट या आई मीन लाइक आई सेड कि उस वाले जोन में पर्टिकुलरली कल्चरल जोन में क्योंकि मैं मेजरली एज अ प्रोफेशनल कथक डांसर रही हूँ सो डेफिनेटली उस क्षेत्र में पूरे कल्चरल क्षेत्र में अगर कुछ मेरा योगदान रह सके तो डेफिनेटली थैंक यू सो मच थैंक यू